देख सकते हैं कि बाइक जो है अच्छी तरह से स्टार्ट हो गई है। अब आपको बंद करना है, तो अब डायरेक्ट इसी जगह पर बंद नहीं करके आप जो है एक बार इसे ये बाइक जो आपकी है बंद होगी। तो आज की वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बाइक में किल स्विच कैसे लगा सकते हैं और किल स्विच लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप अपनी बाइक को बंद करना चाहते हैं, लेकिन इग्निशन स्विच इतना दूर है कि आप अपने हाथ से जो है उसे बंद नहीं कर सकते। ऐसे मोस्टली बाइकों में जो है आपके हैंडल हेड के सामने ही जो है इग्निशन स्विच दे रखा होता है, जिससे कि आप डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बाइकें हैं जहाँ पर कि इग्निशन स्विच बहुत ही दूर में रहता है, जैसे कि हेड के सामने रहता है, आपकी फ्यूल टैंक के नीचे रहता है, बहुत सारे ऐसे बाइकों में, तो उसमें जो है आपको बाइक को बंद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दूसरा बात जो है कि जैसे आप अपनी बाइक को चला रहे हैं और बाय द वे आपका बाइक एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और आप जो है बाइक में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उससे आप निकल नहीं सकते, लेकिन आपको बाइक को है जो बंद करना है, लेकिन आप अपने हाथ को जो है इग्निशन स्विच के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप हैंडल से ही जो इग्निशन स्विच को डायरेक्ट स्विच से बंद कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है रिक्की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है अमेज़ोन से डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हैं। आपको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे दामों में जो है आपको ये स्विच मिल जाएगा, तो आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट आपको हम बताते हैं कि क्या क्या करना होता। तो सबसे पहले आपको जो है ये दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप इसमें जोड़ के लंबा कर लें, क्योंकि इसकी जो वायर होती है ज़्यादा लंबा नहीं होती, बस इतना ही जो है इसकी वायर की लेंथ होती है, तो इसे जो है आप सबसे पहले बढ़ा लें। तो चलिए सबसे पहले वीडियो में को पॉज करके हम इसे जोड़ने के बाद जो है टेपिंग करके आपको फिर हम बताते हैं क्या करना होता है। अब देख सकते हैं कि इसका जो है हम लोगों ने टेपिंग कर लिया, और टेप करने के बाद जो है इसे लंबा भी वायर को कर लिया। टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर टेप आप नहीं करिएगा तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है आपकी वायर सारी जल भी सकती है, तो टेप भी अच्छी से ज़रूर कर लें। चलिए अब डायरेक्ट इसे हम लोग हैंडल पर माउंट कर लेते हैं, और माउंट करके फिर आपको हम बताते हैं सेटिंग कैसे करना होता है। आप जब इसे माउंट कर रहे हो तो आप इसे अच्छी तरह से माउंट करें, दोनों तरफ बराबर आप इसे कसें, अगर एक तरफ ज़्यादा एक तरफ आप कम करिएगा तो ठीक से जो है ये टाइट नहीं हो पाएगा, और बाद में जो है आपको ये हिलने का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि ये ऊपर नीचे ही बार बार होने लगेगा, तो इसे जो है आप अच्छे से माउंट ज़रूर कर लें। इसके बाद आप जो देख सकते हैं ये दोनों वायर जो है इसमें आपको कनेक्शन नहीं करना, आपको जो है ये वाली जो ब्लैक वाली वायर है इसमें जो है एक तार इसमें जोड़ के आपको एक वायर को जो है इसके नीचे जो ये वाला देख रहे हैं आपको इसमें जो है कनेक्शन कर देना, उसके बाद टेप कर देना। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है जोड़ लेते हैं ये दोनों जो वायर है, ये दोनों वायरों को जो है हम लोग एक इस ब्लैक में और एक जो है उसमें अंदर में जो है आप देख रहे इसमें जो है हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक कनेक्शन कर दिया और एक जो है इसमें हम लोग ने जो है कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको जो है हम लोग टेप कर लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने किल स्विच लगाया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो स्विच लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑन है और सारी इंडिकेटर जो है काम कर रही है, ठीक है। चलिए बाइक को हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं, अभी देख सकते हैं कि ये ऑफ है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं, देख सकते हैं कि बाइक जो है अच्छी तरह से स्टार्ट हो गई है। अब आपको बंद करना है, तो अब डायरेक्ट इसी जगह पर बंद नहीं करके आप जो है एक बार इसे ये बाइक जो आपकी है बंद हो। चलिए एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं, बाइक आपकी स्टार्ट हो गई और बंद करने के लिए ये आपकी बाइक बंद हो गई। तो आपको भी अगर अपनी बाइक में किल स्विच लगाना है तो आप इस भी इसी तरह से जो है किल स्विच लगा सकते हैं। सबसे पहले आप जो है ये वाली जो है परचेज़ कर लें, आपको इसका परचेज़ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेज़ोन पर बहुत अच्छा इसका सेल चल रहा है, तो आपको बहुत ही कम दामों में ये मिल जाएगा, तो जाके आप ज़रूर एक बार चेक कर लें।
तो चलिए हम लोग ने चेक कर लिया, बाइक स्टार्ट हो रही है, तो चलिए इसे अब जो है हम लोग जो है टेप कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का बाइक या कार से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में जो है आंसर हम कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट पर लगाए, हेलमेट पहने और सुरक्षित ड्राइव करें।